अस्सलाम वालेकुम अली भाई, स्टार्टिंग द व्लॉग विद यू। कैसे हैं ठीक ठाक? मोबाइल रखे आपने यार। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम कर दें ऑडियो से। कैसे हैं आप? ठीक है यार, तो फुल मेरा से ऑफ रोडिंग सीन है। मैं ढूंढता हुआ गया कौन सी ऑफिस स्ट्रीट बाइक से हैवी बाइक से, लेकिन सारे टीआरकेस खड़ी हैं। आपका क्या प्लान है वैसे? माशाल्लाह मेरा तो यार बाइक, क्योंकि इट्स नॉट ऑफ रोड, सो आई विल बी बैक आफ्टर ब्रेकफास्ट। इंशाल्लाह आप भी एंजॉय करें एहसान भाई, मेरे ख्याल से आपका। नहीं नहीं, मैं भी वापसी है, मेरी भी वापसी होगी। वापसी होगी इंशाल्लाह, मैं और फाजिल साथ आए हैं। अच्छा हां, ये इतना अच्छा इनके साथ हमारा, मेरा तो लास्ट में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। यार आप अच्छा हो गया माशाल्लाह, कंपनी भी मिल गई। ऑडियंस को सलाम कह दे यार। हमजा भाई बहुत फेमस है। ये हमजा भाई की फिटनेस के सब फैन है भाई। मेरी फिटनेस कहां से देखी सर? चलो मैं तो देखता ही रहता हूं आपकी फिटनेस। पाकिस्तान में इनको भी रिकॉर्ड करें। ओ यस बंद। आपका गुड नेम क्या है? अब्दुल बासित। आपसे मेरी ख्याल में बात भी हुई थी ना मेरी। हां सही सही सही। यार आपका क्या नाम था? उमर। उमर फारूक नाम है। उमर फारूक अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ऑडियंस को सलाम कह दे। मी टू शो माय फेस टू यू। या ऑफ ऑफ कोर्स, क्योंकि अच्छा मैं कभी। चलो ठीक है, अब आप फॉर्म में आ चुके हैं ऑलरेडी। ये 502X वेरिएंट है, जिसके अंदर साइलेंसर जो है ना ये ऊपर की तरफ होता है, और यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा 502X। इन्होंने नंबर भी माशाल्लाह इनको काफ़ी अच्छा मिला, 500 नंबर। ये चेक करें आप, सच अ ब्यूटीफुल बाइक है यार। और ये आगे फ्रंट ग्रिल इन्होंने खुद लगाई हुई है, थोड़ी मॉडिफाई की हुई है। ये आफ्टर मार्केट है, लाइट्स आफ्टर मार्केट है। इसके अंदर जो है ना बड़ा एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड ये ऑफ रोडिंग और ये डुअल पर्पज़ टायर्स पहले से लगे आते हैं, और ये हैंडल बार्स लगे होते हैं, ये क्रैश गार्ड लगा होता है। तो और इसकी अगर आप देखें तो बैक सीट भी आपको थोड़ी सी चौड़ी फील होगी। वेरी ब्यूटीफुल बाइक्स यार। मैं को चाबी मेरे पास है, ये कुल कैसे गया यार? अस्सलाम वालेकुम ब्रो। ऑफ रोड यार मुश्किल है, क्योंकि फहद भाई का आगे इनकी फैमिली का कोई है। और प्लान करते हैं, काफी अरसे बाद हमने कुछ प्लान किया। मैं ही मेरे ख्याल से कल्प्रिट से पहले मैसेज डाला था ग्रुप में, और उसके बाद फिर शुक्र है मोमेंटम बना और आज हम इधर हैं। लेकिन बड़ा मजा आता है उसका, जब ब्रदरहुड सी फीलिंग आती है, सारे साथ जाते हैं। अरसे बाद भी आप बाइक नहीं लाए अपने ना? मैं और फादी साथ हैं। बाइक है ही नहीं मेरे पास। बाइक नहीं है? इन सेल कर दी। ओए अब्दुल बासित भाई, कितना इत्तेफाक है, हमारे हेलमेट भी सेम है। Everything I do, I do for you. Everything I say for you. All I wanna do is please you. अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ते के लिए इज़लो ग्रिल, जो कि इस्लामाबाद में मोनाल से थोड़ा सा आगे जाके आता है, डाइनो वैली से पहले आता है, मोनाल से आगे आता है। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा है, और हम सारे ब्रदर्स माशाल्लाह अपनी बाइक्स के ऊपर तैयार होकर खाली पेट सही भूख लगी हुई है नाश्ता करने जा रहे हैं। पराठे अंडे वादा आ जाएगा भाई, मैं कहता हूँ। भाई हम लोग इज़लो ग्रिल आ गए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। इधर से ऊपर जाना है फाजले के साथ, और ये सारी खूबसूरत माशाल्लाह बाइक्स खड़ी हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। सारी व्यू चेक करें यहाँ से, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक है फिर से? ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ओ यार आपको मैंने पहचाना ही नहीं अली भाई, लिटरली। अच्छा आप नहीं बाल कटवा के भी एक फेज होता है, यू नो, यू एंजॉय द न्यू लुक। सही बात है। फॉर सम टाइम आप लोग तो गए हुए ना मेरे लवर बाल। यार मैं नहीं गया वैसे। आप नहीं गए? अच्छा नहीं, ऐसे रिकमेंडेबल तो नहीं है वैसे। लेकिन वो आप जब आप जाएंगे तो जब आपका व्लॉग आएगा ना तो वो जगह और फेमस हो जाएगी। लेकिन बाकी में वो सब कैसे रहे हैं, उस तरह वर्थ इट नहीं है खुद देखने के लिए? मैं ना वो नीचे तो जाना पड़ता है ना।
लेकिन इतनी नहीं अली भाई, मुश्किल से आधे 20 मिनट की है। लेकिन अगर आपने कोई एक वाटरफॉल देख रही है ना, फिर ना नूरी वाटरफॉल ज्यादा बेहतर है, वो प्रॉपर वाटरफॉल है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बस फिर हेलमेट पहनना, गियर पैड्स पहनना, जैकेट पहनना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। मैसेज इम्पोर्टेंट यही होता है, मैसेज इम्पोर्टेंट। Bro, this is S22 ultra. S22 अच्छा अच्छा, उसकी कैमरा अभी लिया है रिसेंटली। मुझे आर्मर केस टाइप बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा पता करूं गांव से आपको मिला, मुझे मिल नहीं रहा। ये मैंने लिया है ब्लू F7 मरकज से, वहीं से मोबाइल भी लिया वहीं से, साथ शॉपों से। नहीं ब्लू वो तो इनके, वो तो इनके जी सर, एक ही चीज का है सबके लिए। फिर आप एक साइड पे व्लॉग कर रहे और आप अली भाई को देखोगे वो काली मिर्च डाल रहे हैं आपको, यार ये मैं किधर फंस गया हूं। भाईजान प्लेटें जरा एक दो दे दें यार। फाइनली माशाल्लाह नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया, इतने अरसे के बाद इस तरह मनाल पे आके नाश्ता किया। लास्ट टाइम आया था जब मैंने अम्ब्रेला वाटरफॉल पे मैं गया था, और अब जो सारे भाइयों के साथ करने का अपना मजा आया। नाउ गोइंग बैक, वापसी में मैं खुद अपने मोमेंट को एंजॉय करूंगा, ठीक है, तो व्लॉग नहीं करूंगा। ठीक है भाई, टूल्स है, राइडिंग गियर्स परचेज की हैं, राइडिंग जैकेट और राइडिंग ट्राउज़र्स। ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सिंगल इन्वेस्टमेंट राइडिंग के को लेके। LS2 ब्रांड जो है आपको पता है, वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, जो कि राइडिंग गियर्स और राइडिंग हेलमेट्स और इस तरह की एक्सेसरीज बनाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कहा चलो यार एक ही दफ़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी चीज़ ले लेते हैं। ये दोनों वाटरप्रूफ है। इन दोनों की प्राइस पहले आपको बताऊँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये नॉर्मल जैकेट्स वगैरह से ये किधर स्टैंड करती हैं। जो मेरे पास पिछली जैकेट थी जो मैंने, वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड थी, वो मैंने 4500 या 55,000 समथिंग, 5500 समथिंग की मैंने परचेज की थी, वो 5500 तो 4-5,000 की रेंज में वो लोकल बनी हुई थी। ये जो है दोनों आइटम मिला के ये 55,000 के, तो इसका ये है कि ये दोनों, ये जो है ये कोई 33,000 का है, ये जो है जो बॉटम है ये 24,500 का है, इस तरह कुछ है। तो ये दोनों मिला के मतलब 55 के करीब बनते हैं। ये इसकी फ्रंट है जैकेट की, ठीक है। तो फैक्ट जैकेट के अंदर ये चेस्ट के ऊपर दो उन्होंने बड़े बड़े एयर वेंट्स दिए हैं हवा के लिए। आप सिंपली ये जिप खोलते हो, ये एयर वेंट खोलते हो, ये इसमें मैगनेट होता है और ये यहाँ पे चमक जाता है, ठीक हो गया, और इसमें से हवा भी क्रॉस करती रहती है। ये बेसिकली जो है ना, ये विंटर के लिए भी है, समर के लिए भी है। तो इसके अंदर बेसिकली विंटर की लाइनिंग लगी हुई है पूरी जेब से। आप चाहो गर्मियाँ आ गई, आपको लगता है गर्मी आ रही है, क्योंकि ये वैसे काफ़ी गर्म होती हैं, क्योंकि बिल्कुल ये सॉर्ट ऑफ सील्ड होती हैं ताकि बारिश ना हो उस वजह से भी। तो सोचे ना, मतलब जिस जैकेट में आपको हवा गुजरने के लिए रास्ते देने पड़ रहे हैं, वो समझे वो कितनी उसमें वैसे हवा नहीं गुजर सकती। ठीक है जी, टैग शैक हैं, आप इनको इनकी वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हो हर प्रोडक्ट को। ये इसके दो रिफ्लेक्टर्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है जी। ये इसके अंदर इंटीरियर आ गया, इंटीरियर के अंदर ये पूरी इसकी विंटर की लाइनिंग लगी हुई है, जो कि आप ये जिप इसकी लगी है, इस जिप से आप उतार सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। इससे उन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है कि दुनिया में कहाँ कहाँ LS2 के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं प्रोफेशनली, मतलब बाइकिंग में और हर जगह। ये इन्होंने अंदर एक वाटरप्रूफ मोबाइल का की पॉकेट दी हुई है, ये रबर की बनी हुई है, रबर का मटेरियल है, बिल्कुल ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। वैसे ही जैकेट वाटरप्रूफ है, अंदर से ये भी वाटरप्रूफ। वो तो लाइनिंग है ना, ये इसके अंदर पूरी प्रोटेक्शन होती है कमर के लिए। तो अगर इनकेस अगर कोई बाइक स्लिड हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, तो आपकी कमर पीछे से जो है ना वो घसीटती है, तो कमर पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये पूरी आपकी कमर को प्रोटेक्ट रखेगा। और ये ऊपर से लेके तो ये फुल नीचे तक है, ये चीज़ है इसके अंदर प्रोटेक्शन। दूसरी प्रोटेक्शन इसके अंदर पूरी कमर में होती है, दूसरी प्रोटेक्शन इसके अंदर यहाँ पे ये शोल्डर में, ये सख्त है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सख्त नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शोल्डर ब्लेड के लिए प्रोटेक्शन है। इसी तरह दोनों तरफ, इसी तरह ये एल्बो के अंदर पूरी प्रोटेक्शन है, सख्त है, ये देख रहे हैं ये चीज़।
यहाँ यहाँ तक है और यहाँ तक है, इसमें थोड़ा सा प्ले होता है ताकि आपका हाथ जो है ना वो हल्का सा मूव भी अच्छा हो सके इजीली। एयर वेंट्स दो ये फ्रंट पे हो गए, एक ये एयर वेंट्स जो हैं ये इसी तरह बाजुओं में हैं, तो रिवर्स के ऊपर भी ये एयर वेंट्स हैं। ये पूरी मैंने अभी फिलहाल जिप खोली हुई हैं ये दोनों तरफ, तो मतलब ये ताकि इधर से हवा भी गुजरे, वहाँ से गुजरे, इधर से निकल जाए इस तरह। और ये बैक पे भी इन्होंने रिफ्लेक्टर्स दिए हैं जो कि लाइट में अंधेरे में बड़ा काम करते हैं। अच्छा, और जैकेट का दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने इसके अंदर की जो जिप दी हुई है ना, ये और ट्राउज़र मिल भी जाते हैं। मतलब ये जो ट्राउज़र और शीट्स दोनों ही पहनेंगे तो ये वन यूनिट बन जाएंगे, जिप से दोनों जुड़ जाते हैं। तो उस तरह भी मतलब हवा कहीं से घुसने का चांस ही नहीं है कि जी जैकेट के नीचे से हवा घुस जाए, जब ट्राउज़र और जैकेट को जिप से बंद कर देंगे तो ये पूरा ये एक यूनिट ही हो जाएगा। अब ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र जो है इस तरह है, ठीक है। ये इसका फ्रंट हो गया और फ्रंट में ये देखें जी इसी तरह नीज़ में फुल प्रोटेक्शन है, ये देखें यहाँ तक, इसी तरह इसमें इस नी में फुल प्रोटेक्शन है। ये इसके एयर वेंट्स हैं, ये देखें इसके अंदर कोई पॉकेट नहीं होती, ये सिर्फ मैश होता है और मैश में अंदर हवा गुजर सकती है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये इसकी पूरी पॉकेट है, ठीक हो गया। पॉकेट के अंदर इस वक्त ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, और इसी तरह आपको अगर बेल्ट थोड़ी बहुत टाइट करनी है तो इन्होंने अंदर बिल्ट इन इसके अंदर ये थोड़ा सा सिस्टम दिया, और बड़ा हो जाए अगर आपका कोई राइडिंग बूट्स ऐसे हैं जो थोड़े कम्फर्टेबल होना चाहते हो आप। इसी तरह ये उन्होंने जो है ना ये हिप के ऊपर थोड़ी प्रोटेक्शन दी हुई है एलिस्टो की ब्रांडिंग, और ये वो जिप है जिस जिप के थ्रू आप इसको अपर के साथ जोड़ सकते हो। प्याज है, मिर्चे हैं, और टमाटर कितना डाला है? टमाटर मेरे पास तो पेस्ट था, मैंने वो डाला है, वरना आप इसमें दो तीन टमाटर डाल, ठीक है। पहले ऑयल डाल के थोड़ा सा लहसुन डाल के हरा प्याज डाल के ऑयल में डाल दिए, हाँ। साथ में हरी मिर्चें भी काट के मोटी मोटी डाल दी, ठीक है। और हल्का मैंने लहसुन बारीक काट के डाल दिया, नमक, रेड चिली बहुत ज़्यादा सी डाली है क्योंकि हरी ज़्यादा डाली है, हाँ। रेड चिली मैंने 1/4 टीस्पून शायद डाला, बड़ी मुश्किल से, ठीक है। ये बस रेडी है, ये रेडी है, ठीक है, वो नहीं है। चले भाई, सो दैट वॉज द व्लॉग। आप लोगों ने प्यारा प्यारा हमारा नाश्ता भी देख लिया और आप लोगों ने जैकेट भी देख ली। अब इंशाल्लाह पहले तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें जाके अगर आपने नहीं किया, क्योंकि इंशाल्लाह इस ईयर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ की बिगेस्ट रोड ट्रिप्स स्टार्ट होने वाली हैं इंशाल्लाह, और ऑल द वे टू खुंजरा, मतलब यहाँ से नरान, फिर हुंजा, फिर खुंजरा मतलब चाइना बॉर्डर, फिर वहाँ से स्कर्दू, स्कर्दू से वापस इस्लामाबाद, मतलब एक दो तीन हज़ार किलोमीटर का ये ट्रिप बनता है नॉर्दर्न एरियाज़ का। 15 दिनों का नाजन ट्रिप बनेगा, बहुत ही। अब इसकी प्लानिंग मैंने स्टार्ट कर दी है बाइक की, इंशाल्लाह भी अगले कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह जो इंपॉर्टेंट उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं जो कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए चाहिए, जिस तरह उसके बाहर गुजारा नहीं है, मतलब जिस तरह उसके टायर हो गए, ठीक है। अभी ऑफ रोडिंग टायर मुझे लगेंगे तो मैं वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में इसको लेके जा सकूँगा, वो एक बड़ा खर्चा हमने किया है। दूसरा हमने इसके क्रैश गार्ड, इसका लाइट्स, ऑब्वियसली बात है अंधेरे में नॉर्दर्न एरियाज में आप जा रहे हो वहाँ पे आपको लाइट चाहिए, तो ये बाइक मतलब रेडी हो रही है और मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा हूँ। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यार आपका भाई एक बाइक पे बैठ के चाइना बॉर्डर तक चला जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जाएगा, ज़रूर जाएगा। फिर वहाँ से ये एक पहला मेजर फीट है जो हमने इस साल कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर उधर से लेकर नीचे सीधा गवादर, ये दो ट्रिप्स मेरे हो गए ना इंशाल्लाह, तो इतना मेरी रूह को सुकून आ जाएगा यार कि मैंने मतलब कि इतना बड़ा फीट अचीव किया कि यार यहाँ से इस्लामाबाद से कैपिटल से पाकिस्तान के बैठ के चाइना के बॉर्डर तक हमने बाइक राइड की है, पाकिस्तान को फुली एक्सप्लोर करेंगे। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे एक दिन आएगा कि हम लोग अपनी बाइक पे भी उमरे पे जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मेरी ड्रीम है, मेरी मतलब बहुत बड़ी ड्रीम है। लेकिन ये कि ऑब्वियस बात है आप स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करते हो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे यार इंशाल्लाह, ताकि चीज़ें स्टेबलाइज हों, नॉर्मलाइज हों, के पार्ट्स आने शुरू हों, क्योंकि पार्ट्स आएंगे तो फिर आप इस तरह के एडवेंचर कर सकते हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की भी लाइफ में बरकत दे। जस्ट इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे मैं हर वक्त अपडेट दे रहा हूँ कि भाई कब मैं जा रहा हूँ, किस तरह जा रहा हूँ, सारा कुछ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम लोग आगे फ्यूचर में राइड्स भी मैं प्लान करूँगा, हमने व्हाट्सएप का ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है लेकिन वो पहले धरने की वजह से जो है ना वो कैंसिल हो गया था, इंशाल्लाह उसी ग्रुप को हमें आगे कंटिन्यू करना है। आप लोग भी अगर राइड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इंस्टा पे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा कि भाई किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट राइड हमारी पूरी जो ग्रुप की जाएगी, हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, शॉर्ट ट्रिप भी करेंगे जिसमें फैमिलीज़ भी आ सकें, अपनी गाड़ी पे भी आप आ सको, बाइक पे भी आ सको, और नाश्ता वाश्ता करके आएंगे, एक राइड भी हो जाएगी, चलो वो भी हो जाएगा, सारा एक शुगल मेला हो जाएगा। चले भाई, ठीक है भाई, सो दैट वाज द वीडियो, सी यू ऑन इंस्टाग्राम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।